देगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। बॉर्डर बटालियन नोटिफिकेशन अब आई ऐसी है, वैले फिजिकल भी हुआ, हमने पसीना भी भाया। अब जब हम बैठे रिटर्न देने के लिए, ये तो जरा बता मुझे नई नोटिफिकेशन क्यों आई। पहले एग्जाम हो जाते वैसे नहीं रोते, बच्चे प्रदर्शन कर रहे, कुछ तो गिर के उठ गए। ऐसा ना करो सितम कि हम टूट के गिर जाएं। हमारी एक गुजारिश है ये एग्जाम दोबारा हो जाए। हेलो एवरीवन, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन की कहानी क्या है। 2019 की बात करेंगे, इनका नोटिफिकेशन आया था भर्ती का, बॉर्डर बटालियन की भर्ती का। 2019 में नोटिफिकेशन आया, फिर बच्चों का फिजिकल वगैरह हुआ था, जो कई सारे बच्चों ने फिजिकल वगैरह क्वालिफाई कर दिया। अब ये वेट कर रहे थे अपने रिटर्न एग्जाम का कि इनका रिटर्न एग्जाम कब होगा। एक तरफ ये अपने तैयारी कर रहे थे रिटर्न एग्जाम की, और दूसरी तरफ डेट का, एग्जाम डेट का ये वेट कर रहे थे। कोविड आ गया, इन्होंने कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, कोविड आया हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट किया। लेकिन कोविड की जब वेव खत्म हो गई थी, उसके बाद एक तरफ बाकी सारे डिपार्टमेंट अपने एग्जाम ले रहे थे हर जगह, चाहे स्कूल की बात करो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे कंप्यूटर एग्जाम की बात करो, हर जगह एग्जाम चल रहे थे। सिर्फ जेकेपी बॉर्डर बटालियन के बच्चों को यहां पर वेट करना पड़ रहा था। हालांकि ये फिर भी वेट कर रहे थे, बीच में एक बार ऐसा टाइम आया जब इन्हें टेंटेटिव डेट निकाल ली गई कि आपका एग्जाम होने जा रहा है, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। बच्चों को खुशी हुई कि हाँ हमारी एग्जाम डेट आ गई है, इन्होंने फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर दी, हाँ हमारा टाइम आ चुका है, एग्जाम होने जा रहा है। लेकिन उस ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे, वहां पर नोटिफिकेशन आ गया था, उसके बाद भी इनका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया। लेकिन होता क्या, फाइनली जाके जब नया साल स्टार्ट होता है, यानी कि 3 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नए नोटिफिकेशन में क्या कहा जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक नई भर्ती हम करवाएंगे आने वाले टाइम पे। अब वो जो नई भर्ती होगी उसमें जो पुराने बच्चे हैं उन्हें हम होल्ड पे रखेंगे, नए बच्चों में फॉर्म भरेंगे, वो फिर फिजिकल वगैरह क्वालिफाई करेंगे। जब उन नए बच्चों का रिटर्न एग्जाम होगा उस टाइम पीरियड पर हम इनको भी लेकर आएंगे और इनका भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। यानी कि जो बच्चे पहले ही 3-3.5 साल से वेट कर रहे थे, अब उन्हें और वेट करना था, उन्हें अपने जूनियर्स के साथ यहाँ पे कम्पीट करना था। जो लड़कियों की बात करेंगे उनसे ऊपर में काफ़ी छोटे थे, अब वो उनके साथ कम्पीट करने जा रहे थे। ऑलरेडी 3 साल का गैप चल रहा था, अब इन्हें और वेट करना पड़ रहा था। अब ये और वेट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, आप भी होगा तो आप वेट नहीं कर पाओगे। अब ये डिफरेंट सोर्सेज के पास जा रहे थे, कई सारे लोगों से मिल रहे थे कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारे लिए सामने आओ। लेकिन फाइनली जाके हो क्या रहा था, इनके लोग बातें तो सुन रहे थे लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकल रहा था। अब लास्ट में जाके बच्चों को सड़कों पर आना पड़ा, कई सारे प्रोटेस्ट इन बच्चों ने करे थे, थोड़ा रिस्पांस मिल रहा था लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर आ रहे थे, हर बार प्रोटेस्ट चल रहा था, इन्हें लाठियां भी पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और जो लास्ट प्रोटेस्ट आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़कियों की बात करेंगे, उनके माँ बाप रोए थे वो वीडियोज देखकर, लड़कों के माँ बाप की बात करेंगे, सभी वो वीडियोज देखकर रोए थे कि ये क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। अपना हक की तो मांग रहे, कोई भीख तो नहीं मांग रहे, रिटर्न एग्जाम की डेट मांग रहे, ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हमें सिलेक्शन दे दो। ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट आपने स्टार्ट करी थी उसकी रिटर्न डेट निकालो, हमारा एग्जाम लो, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हें सिलेक्ट करो। आप जो नए बच्चों की बात कर रहे हो कि नए बच्चे आपको लाने हैं, आप एक नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 वैकेंसी निकालो, लेकिन जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करा था पहले उसे कंप्लीट करो, बाकी जो नोटिफिकेशन वगैरह निकालनी है उसको सेपरेट रखो, अलग रखो,
हमें ओवरवेट मत करवाओ, सिर्फ इतनी सी डिमांड थी। लेकिन आप एक बात देखोगे, इन बच्चों ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी, क्योंकि इन्हें पता था हम सच्चे हैं, हमें हमारा हक मिलकर रहेगा, इसलिए रोज सड़कों पर आ रहे थे। और आज फाइनली जाके देखो, प्रियंका गांधी वाड्रा जी की बात करेंगे, उनकी तरफ से ट्वीट आ चुका है, बात कहां तक पहुंच गई है, और जल्दी ही इनके हक में फैसला भी आ जाएगा। मैं यहां पर आपको ये दो बातें बताना चाहूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा भी क्लास 4 के बच्चों के साथ भी हो रहा है, और भी कई सारे इश्यूज हैं। सिर्फ सड़कों पर आ जाने से कुछ नहीं होता है, इन बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। ये स्टार्टिंग में पहले इन्होंने पेशेंस रखा था, काफ़ी वेट करा था, वेट करने के बाद ये कई सारे लोगों से मिल रहे थे, हर जगह इन्होंने अपने बात रखने की कोशिश करी, जब कुछ नहीं हुआ फिर सड़कों पर आए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। आप भी कोई भी हो, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो, चाहे कोई भी लाइफ की सिचुएशन, अगर आपको लगता है आप सही हो, अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे, इस बात को नोट कर देना। अगर आपको लगता है कि JKP बॉर्डर बटालियन के जो बच्चों के साथ हैं उनके साथ गलत हो रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखना, और इन बच्चों को सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।